हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ JOSAA का रिजल्ट 2022 का आउट हो चुका है, जो कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी द्वारा कराया जाता है। JOSAA सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो कैसे देखेंगे आप इसको, रिजल्ट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वो मैं बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की और नई नई वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको दिखाते हैं। ये मेरा चैनल है ऑल जॉब केंद्र, इसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो ये मेरा चैनल है, इस पे आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली भी और भी लेटेस्ट वीडियोस इसी प्रकार की मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी एक ये साइड है www.sarkariujala.com। ये एक साइड है जिसमें आज 23 सितंबर है, देखिए 23 सितंबर को ये JOSAA का फर्स्ट राउंड एलोकेशन रिजल्ट 2022 का आउट हो चुका है। JOSSA ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 2022 ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी JOSAA इंस्टीट्यूट नेम IITs, NITs, IIEST, IITs एंड अदर GFTIs। अब इसकी JEE का रिजल्ट जो आया था उसके आधार पे आपको ये मिलेगा। तो 1/11/11/9 को 2022 को इसका रिजल्ट आ गया था। ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 12/9 को और सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड का 23/9, आज 23/9 है तो 23/9 को आ गया है। और उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 की ये डेटें मेंशन की गई हैं। और फी डिटेल की बात करें तो जनरल OBC के लिए 35,000 है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 15,000 है। फी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, UPI, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। और ये साइट www.sarkariujala.com पे आप विजिट कर सकते हैं, इस आर्टिकल को आपको मिल जाएगा, इसके रिजल्ट सेक्शन में जाके आप ढूंढ सकते हैं। और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी इज इनवाइटिंग काउंसलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JOSAA 2022। इंटरेस्टेड पीपल मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन ऑनलाइन। डिटेल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ JOSAA 2022 काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड इन JEE एडवांस 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में। और 23 IIT इंस्टीट्यूट हैं, IIT भिलाई, IIT वाराणसी, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT गोवा, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IITSM धनबाद, IIT जम्मू, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT धनबाद, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT मंडी, IIT पलक्कड़, IIT पटना, IIT रुड़की, IIT रोपड़, IIT तिरुपति। ये 23 IIT में सिलेक्शन आपका इसमें से इसके थ्रू मिल सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। और 32 NITs हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इस डिटेल में। और 26 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टोटल 33 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग हैं। तो दोस्तों, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसमें काउंसलिंग में। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बिलो, एक लिंक प्रोवाइड है नीचे बिलो में, उसके थ्रू आप इसके ऑनलाइन काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन आल्सो अप्लाई थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी बिफोर द लास्ट डेट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एजुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेंगे आपके, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा और सिलेक्शन मोड आपका फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसके इस पे आ जाएं तो चेक करना है अगर आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट, तो इस पे क्लिक हेयर करें। तो क्लिक करेंगे तो ये एक साइड ओपन होती है जो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी 2022 और 23 के लिए है। तो
तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे आप जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, और सिक्योरिटी कोड जो ये आ रहा है ये कहीं सेंसिटिव रहता है, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही आपको टाइप करना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल कर देंगे तो चेंजेस आ जाएंगे, तो जैसा है वैसा ही लिखें और लॉगिन करके अपना सीट का स्थिति जाने के, आपके एलोकेटमेंट की रिजल्ट की क्या स्थिति है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग करना है तो इस पर क्लिक करें, और ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जानना है तो इसमें करें क्लिक, पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट देखने हैं तो इस पर क्लिक करें, डाउनलोड जेई का एडवांस रिजल्ट करना है तो इस पर करें, और ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में फैलाएं, जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और कुछ सुझाव देना चाहते हों तो कमेंट में हमें सुझाव भी दें, हम उसके वो भी एक्सेप्ट करेंगे। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली और भी सूचनाएं, और भी वीडियोस की सूचनाएं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको ये बता दिया कि JOSSA रिजल्ट 2022 आउट हो चुका है, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का। तो इसको कैसे देखेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।